यहाँ पे देखो बहुत सारे कैपेसिटर्स आपको दिए हुए हैं, N1 कैपेसिटर्स, कितने कैपेसिटर, 10, 20, उस तरह से N1 कैपेसिटर है, और सबको मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया, हर एक की वैल्यू इक्वल है, C1 के इक्वल है, और भी 4 वोल्ट की बैटरी से हमने चार्ज कर लिया। चलो चार्ज कर लोगे तो कुछ एनर्जी पहले सीरीज में आ जाएगा, स्टोर हो जाएगा। दूसरे केस में हमारे पास कैपेसिटर्स जो हैं वो N2 कैपेसिटर है, जैसे 10 कैपेसिटर, 20 कैपेसिटर, उसी तरह से N2 कैपेसिटर्स है, और हर एक की कैपेसिटी C2 है, और हमने भी वोल्ट की बैटरी से चार्ज कर लिया, तो कुछ एनर्जी स्टोर हो गया। तो पहले केस में जितनी एनर्जी है और दूसरे केस में एनर्जी है वो इक्वल है, कंडीशन है। तो C2 और C1 की वैल्यू C2 की वैल्यू निकालनी है C1 के टर्म में, है ना। तो C2 की वैल्यू C1 के टर्म में हमें फाइनली कैलकुलेट करना है। तो चलो इसको कर लेते हैं। तो इस कैलकुलेशन में हम लोग दोनों केस है, दोनों केस में अलग अलग एनर्जी निकाल के इक्वेट कर देंगे। लॉजिक क्या चलेगा आपको बेसिक, अब पहले केस में सीरीज में C1 नाम का कैपेसिटर है कनेक्टेड इन सीरीज, C1 नाम का कब तक, N कैपेसिटर है, और ये हमने सप्लाई लगा दिया प्लस माइनस 4 वोल्ट की बैटरी लगा दिया। अब आपकी एनर्जी स्टोर क्या होती है, हाफ CV² बराबर है। तो पहले केस में जो है कितनी एनर्जी स्टोर है, इक्विवेलेंट कैपेसिटी, आप सबको पता होगा कि सीरीज में अगर इक्वल कैपेसिटर होते हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी जो होती है सीरीज में वो C/N होती है। तो अभी कितना हो जाएगा, C1/N1, ठीक है। ये कहाँ से आया ये आपको याद होना चाहिए यार, अगर आप नीट की तैयारी करें तो हाफ C1 की वैल्यू C1/N1, और ये 4 16V² मतलब ये आ जाएगा 8 C1V² / N1, दिस इज द एनर्जी स्टोर इन द फर्स्ट केस U1। सीरीज के केस में इतनी एनर्जी आ गई। सिमिलरली पैरेलल के केस में हम लोगों के पास पैरेलल के केस का सॉल्व करते हैं। पैरेलल वाले में क्या है, तो चलो यहाँ हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो दिस इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। इस तरह से मैं कब तक जोड़ते जाऊँगी यार, यहाँ से मैंने बैटरी लगाया प्लस माइनस डॉट डॉट डॉट, भी वोल्ट की बैटरी लगाया डॉट डॉट डॉट, N2 कैपेसिटर है 20 30, इस तरह N2, हर एक की कैपेसिटी C2 है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, हम सबको पता है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटी इक्वल कैपेसिटर्स के केस में NC के इक्वल होता है, है ना। तो यहाँ आ जाएगा N2C2, दिस इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटी। अब आप सबको पता है कि एनर्जी स्टोर क्या होती है, एनर्जी स्टोर U2 = ½ CV². तो हाफ कैपेसिटी N2C2 और V का स्क्वायर, दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को पहले वाले इक्वेशन से कंपेयर कर देना है, जैसा कि क्वेश्चन का कंडीशन कर रहा है, दिस इज द कंडीशन बाय द क्वेश्चन। तो अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, इक्वेट कर दूं, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मैं इक्वेट करता हूं, तो 8 C1V² / N1 मस्ट बी इक्वल टू हाफ C2 N2 V² बिकॉज इनिशियल एनर्जी U1 और U2 के बराबर है, ऐसा क्वेश्चन का कंडीशन करा। तो V² ने V² को, और इसका मतलब ये हुआ कि C2 की वैल्यू आ जाएगी 16 C1/N1 N2, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन। अब देखो मैच करो कौन सा सही है, तो 16 C1/N1 N2 मतलब हम लोग का डी ऑप्शन मैच कर रहा है, दिस इज द ऑप्शन करेक्ट।